प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सत्संगी सावन सिंह जी से प्रश्न करता, हजूर संतों की पदवी कहां तक है? अब हजूर सावन सिंह जी कह रहे हैं, हमारी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी, बिना बेरा इंदुमती कद हुई थी। फिर भी जैसा पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए, देखिए इनकी अकल सावन सिंह की। कहते हैं पहले तो कबीर जी चले गए ऊपर मालिक में, सतपुरुष में विलीन हो गए, जैसे बूंद समुन्द्र में मिल जाती है। इनका इनकी छुरी है या, और ये उसी को लिपा पोती कर रहे हैं। कहते पहले तो कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, मैं ही सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे वाह, अब क्या कह रहे हैं, इनकी सोच है पुणात्मा, राधा स्वामी पंथ की सोच है कि सचखंड में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ भगवान निराकार है, और आत्मा जो सचखंड चली जाती है वो ऐसे विलीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। इनकी अकल देखो पत्थर पड़ रहे। कहते हैं पहले तो कबीर साहब जाकर विलीन हो गए, फिर इंद्रमती जाकर विलीन यानी बूंद की तरह समुद्र में समागी, और फिर बतलाए कब वो। अब वो बतलाए कब, अकल के चोरों ये देखो खुद कह रहे हैं कि इंद्रमती ने वहां कबीर साहब को देखा और कहा कि आप मुझे पहले बता देते, आप ही सतपुरुष हो, तो मैं क्यों सुमन कर करके दुखी होती। अब ये तो सच्चाई है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, और वही सबका संचालक है, और वहां आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न रहते हैं सतलोक में, तभी तो ये बातें कर रहे हैं। अब जैसे एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, कबीर परमेश्वर की वाणी है ये, और ये पूरा राधा स्वामी पंथ उस अल्दी की गांठ ने लेकर पंसारी बन गया। इसका ऊपर राधा स्वामी पंथ चला रखे ने, ऊपर सचखंड है, अलख लोक है, अगम लोक है। अब दिखाता हूं आपको, करने नो दीदार महल में प्यारा है। अब समय थोड़ा रह गया, इतना डिटेल से इसको नहीं बता पाऊंगा, ये देखिएगा, करने नो दीदार महल में प्यारा है परमेश्वर। कबीर साहब जी बताते हैं कि सतलोक में है वो परमात्मा, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, और मद मास मिथ्या तद डारो, हो ज्ञान घोड़े अस्वार भ्रम से न्यारा है। दोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल सुधार यानी मूल कमल में गणेश जी का जो वास है उसका जाप इसमें लिखा भी है, मूल कमल दल चतुर्भ खानो, किलियम जाप लाल रंग मानो। अब मूल कमल में कबीर साहब कहते हैं किलियम जाप है उसका गणेश का, और वो चार पंखुड़ी का कमल है। देव गणेश तारो प्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चमर ढुलारो है, स्वाद चक्र सट दल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ओंकारा है, ओम शब्द है।
फिर कहे नाभि अष्ट कमंडल साजा शेत सिंहासन विष्णु विराजा हरियम जाप तास मुख गाजा लक्ष्मी शिव आधारा है। अब परमात्मा के इस शब्द में जो इनकी पुस्तकों में मुख्य रूप पृष्ठ पर लिखा हुआ है, वह पुस्तक मेरे हाथ नहीं लगी, मैं रखी हुई दिखाऊंगा आपको, और इसमें वो शब्द बता रखे हैं जो ये दास आपको देता वो नाम है इसमें लिखे परमात्मा ने कि इन कमलों को यहां तक इन मंत्रों से खोला जाएगा। द्वादश कमल हृदय के माही जहां गौरी शिव ध्यान लगाई और सोहम शब्द तहां धुन छाई गण कर जय जयकारा है। संकेत में गरीब कबीर परमात्मा सब मंत्रों को जो दास आपको देता वो क्लियर कर रहे हैं इसमें, और वही गरीबदास जी ने क्लियर कर रखा जो परमात्मा से प्राप्त हुए थे। आगे क्या बताया है कि सोडस दल कमल कंठ के माही तेही मद बसे अविद्या बाई हर हर ब्रह्म चौर डुराई वहां श्रीयम नाम उचारा है। हाय हाय तापर कुंज कमल है भाई बंग मवर दो रूप लखाई निज मन करता जहां ठुकराई सो नैनन पिछुआरा है। कमलन भेद किया निर्वारा ये सब रचना पिंड मझारा। अब देखो क्या बताया है कि जो ये कमल बताए हैं ये तो इस शरीर के अंदर है, पिंड के अंदर है, श्री पिंड कहो अंड कहो और ब्रह्मंड कहो, ये तो रचना इस पिंड शरीर के अंदर है। फिर कहते हैं सत्संकर सतगुर सिर धारा और वहां सतनाम उचारा है। अब सतगुरु मिल गया वो फिर सतनाम देगा दो अक्षर का, उसका फिर सिमरण करना है उच्चारण करना है। आंख कान मुख बंद कराओ अनहद झिंगा शब्द सुनाओ दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। चंद सुर एक घर लाओ सुषमन से ती ध्यान लगाओ त्रिवेणी के सिंध समाओ बहुर उतर चल पा रहा है। घंटा संख सुनो धंदोई सैंस कमल दल जगमग होई। इसके अंदर शरीर के अंदर जो कुछ है वो काल ने जो रचना कर रखी है वो बता रहे हैं कि फिर एक सहस्रार कमल है और वहां पर घंटा और संख की आवाज आ रही है, ये महास्वर्ग में इस काल की बज रही है। तामद करता निरखो सोई बंक नाल धस पा रहा है डाकनी साकनी बहु किलकारें जम किंकर धर्मदूत हंकारें सत नाम सुन भागे सारे। कहते हैं उस आगे चलोगे तो ये बूढ़ी बूढ़ी शकल के आवेंगे और वहां सतनाम का सिमरण कर दो इसको सुनते ही डांक ठोक जाओगे जब सतगुरु नाम उचारा है। सतनाम का जो दो अक्षर का नाम है उसका जाप करना है श्वास उश्वास में। गगन मंडल बिच उर्दमुख कुया गुरमुख साधु भर भर पिया नुगरे पैसे मरे बन किया जाके ही अंधियारा है। त्रिकुटी महल विद्या सारा घन हर गर्जे बजे नगारा लाल वर्ण सूरज उजियारा चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़ लिया नौ दरवाजे पर गढ़ चीना दसवां खोल जाए दिन दीना और जहां कुलुफ रहा मारा है। जहां कुफल बोल रहे हैं ताला लाग रहा पर बज्र कवाड़ है। आगे सेत सुन है भाई मान सरोवर पैठ नई हंसन मिन हंसा मिल हो जाई मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजन सितारा अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा द्वादश बानो हंस उजियारा सटदल कमल मंझार शब्द ओंकारा। महासुन सिंध बिस्मी घाटी बिन सतगुर पावे नहीं बाटी व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी जहाँ सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई दैन्य द्वादश अचिंत रहाई बाएं दस दल सहज समाई ये कमलन निर्वारा है। अह अब पांच ब्रह्म पांचों अंड बीनो और पांच ब्रह्मनी अक्षर चीनो चार मुकाम गुप्त के तह किन्नो जामद बंदी वान दरबारा है। दो पर्वत के संत निहारो बहोर गुफाता संत पुकारो हंसा करत केल अपारो और तहां गुरुवन दरबारा है।
सैस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए। तहां सोहम झनकारा है, सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई। ये मंत्र जो है हमें परब्रह्म के बहुर गुफा तक ले जाएगा, उसकी हद वहां समाप्त हो जाएगी। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, और उठत सुगंध महा अधिकाई, जा को वार न पारा है। षोडश बानु हंस को रूपा, और बिना सत धुन बजे अनूपा। अब यहां क्या बताते हैं परमात्मा, यहां सतलोक की महिमा यथार्थ बता रहे हैं कि वास्तव में सतलोक में क्या है कि जब ये सतनाम में दो अक्षर होते हैं, एक ओम और एक दूसरा, तो दूसरा जो मंत्र है ये बहुर गुफा तक आपको ले जाएगा, परब्रह्म के लोक को पार कर देगा। तो इसके सात संग ब्रह्मंडों को पार ये सतनाम का दूसरा मंत्र कराएगा। फिर उसमें बताया कि वहां सतलोक में वास्तविकता क्या है कि वहां एक जीवात्मा के शरीर की इतनी रोशनी होगी जैसे 16 सूर्यों का प्रकाश हो, और वहां परमात्मा कबीर जी के सतलोक में एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी परमात्मा वाली तेज है, एक रोमकूप की इतना नूर है। तो जीव वहां जाकर के जीव का तो रूप बन जाता है शरीर तेज पुंज का, 16 सूर्य जितनी उसकी कुल रोशनी बन जाती इतना तेजों में। अब देखो, सोहम हद तजी जब भाई, सोहम हद यानी बाउंड्री सीमा, तजी जब भाई सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जा को वार न पारा है। सोडस बानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जितना इस जीव का रूप बन जाता है, और बिना सदुन बजे अनुपा, तहां अंसा करत चवर सिर भूपा, और सत पुरुष दरबारा है। अब परमात्मा के दरबार में सतलोक में जीवात्मा अलग से है और परमात्मा अलग से है। इसमें परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि वहां हंस जाकर के उसका 16 सूर्य जितना तेजों में सुंदर शरीर हो जाता है, ऐसनाविरम अकायम शुक्रम अकायम, उनका तेजों में शरीर बन जाता है, उसके नाड़ी नूड़ी का जोड़ जुगाड़ का नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा का है। और वहां कहते हैं वो जीव वहां जाकर के अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है आदर से। अब कबीर साहब की वाणी को ये मुख्य रूप से लेकर चलते हैं और कहते हैं वहां सतलोक में कुछ भी नहीं है, वहां तो जो है ना प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। और यहां परमात्मा कह रहे हैं कि सोडस बानो हंस को रूपा, और बिना सतधुन बजे अनुपा, हंस करत है चोर सिर भूपा, यानी अपने भूप माने स्वामी के, अपने मालिक के, अपने राजा के, भगवान के सिर पर वो हंस चंवर करते हैं। अगर समुद्र में बूंद मिल गई फिर चंवर किस पर करेंगे, वो भूप की तरह गया फिर वो हंस कहाँ रह गए। अब परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वहाँ अलग अलग स्थिति है और ये अज्ञानी बता रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। जो भगवान ने नहीं है तो हम टिंडे लेने जाएंगे, उसके लिए भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, और वो वहाँ है ही नहीं, किसका इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन श्रद्धालु फिर भी आँख नीचे बैठे हैं गुगू की तरह, हाँ गुरु जी पार कर देंगे, पार करके समुद्र में डबोएंगे, क्योंकि ये काल के लोक के विधान से परिचित है। और काल ने इस ब्रह्म लोक में एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक और अकै लोक बना रखे है इस जीव को भरमाने के लिए। अब देखिए आगे क्लियर होगा। अब कहते हैं कोटन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई। अब परमेश्वर सतपुरुष अपनी महिमा बता रहे हैं कि परमात्मा सतपुरुष की कैसी शोभा है, उसके शरीर की कितनी रोशनी है। कोटिन भानु उदय जो होई, यानी करोड़ सूर्य और इतने ही पुन चंद्र खलोई, इतने ही चंद्रमा इतने ही सूर्य दोनों की रोशनी, और पुरुष रोब सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। पूर्ण परमात्मा के सतपुरुष के कहते रोम कोप के बराबर भी नहीं है इतने इतनी रोशनी भी, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की, और ये सतपुरुष दीदारा है, ऐसे भगवान का दर्शन है, वो साकार है।
आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की ता ठकुराई, अरबन सूर रोम समनाही, ऐसा अलख निहारा है। सतलोक से आगे अलख लोक है और अलख लोक में अलख पुरुष ही एक मालिक है परमात्मा अन्य रूप में, और उस अलख पुरुष की एक रोम कूप की कितनी शोभा है, एक अरब सूर्य की रोशनी के तुल उसका एक रोम कूप की शोभा है। तो अलख पुरुष भी साकार हुआ। फिर कहते हैं तापर अगम लोक एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा। सतलोक से ऊपर अलख लोक, अलख लोक से ऊपर अगम लोक है, और अगम लोक का अगम पुरुष ही परमात्मा है, मालिक है, वही परमात्मा यानी एक ही पुरुष अपने अन्य रूपों में विराजमान है, और वो भी साकार है। उसकी एक रोम कूप की कितनी शोभा है। तापर अगम लोक एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर्य रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। अगम पुरुष के एक रोम कूप में खरब सूर्यों की रोशनी जितना प्रकाश है। और कहते हैं तापर अकै लोक है भाई, सबसे ऊपर, और पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचेगा जानेगा वाही, कैन सुनते न्यारा है। अब पुण्यात्मो, अब ये वहां की स्थिति भी बता दी और फिर ये भी बता दिया कि ये सारी रचना काल ने भी यहां जीव को भ्रमित करने के लिए नकली डुप्लीकेट इस दुर्गा से बनवा रखी है, और ये जो काल के दूत राधा स्वामी ताई के जो ये इसी तक सीमित है। देखिए तापर अकै लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई, और जो पहुंचेगा जानेगा वाही, कैन सुनते नारा है। आगे क्या बताया कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पेंड में धारा। अब सच्चाई भी बता दी कि सतलोक में भी ऐसा है, लेकिन ये जो काल ने भी इसमें इस पेंड यानी इस शरीर के अंदर, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, काया का भेद बता रहा हूं, ये सब रचना पेंड में धारा शरीर में है, अविगत माया एक जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। दुर्गा ने कहते हैं काल के आदेश से ये एक जाल फैला रखा है, उस सतलोक की नकल बनाई है। कैसे, माया आदकिनी चतुराई, और झूठी बाजी इस पिंड में दिखाई इस काल ने। अब ये आज तक ये कहते आ रहे हैं राधा स्वामी वाले कि बस ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, शरीर में देखो। तो परमात्मा कहते हैं शरीर में तो पिंड में देख रहे हो, पिंड और अंड में जो भी रचना है या झूठी रचना देखना जानते हैं। माया आदि कीनी चतुराई, दुर्गा ने चतुराई की है, झूठी बाजी पिंड रचाई, सतलोक की नकल बनाई, अवगत रचना रची अंडमाही, और ता का प्रतिबिंब डारा है। ओह, उस सतलोक की रचना जो मैं बता रहा हूं वहां भी ऐसा है, लेकिन इस दुर्गा ने इस शरीर के अंदर, इस पिंड में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बनाया है वो झूठी बाजी, उसकी नकल कर रखी सतलोक की, डुप्लीकेट है। और पुण्यात्माओं, जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में दिखे, जैसे टेलीविजन है और टेलीविजन में चैनल है, और जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो टेलीविजन में वो प्रोग्राम आपको दिखाई देगा, लेकिन वो है कहीं और। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर ये झूठी रचनाएं भी हैं और ये कमल भी हैं, ये सब इस पिंड के अंदर है, शरीर के अंदर है। एक ब्रह्मांड की रचना, एक ब्रह्मांड की जानकारी इस शरीर में देखने वाले को प्राप्त होगी। और आगे क्या क्लियर करते हैं कबीर परमेश्वर, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है, माया आदकिनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचना रची अंडमाही, अंड कहो ब्रह्मांड कहो और इस पिंड कहो, ताका प्रतिबिंब डारा है, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुर देतारी, और खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पारसो देश हमारा है। ओए ओए, अब लास्ट में फाइनल कर दिया कि तुम जो भी आज तक ये धुन वगैरह सुन रहे हो
और जो भी ये झूठे सतलोक अलखलोक तुम देख रहे हो, ये इस दुर्गा ने काल के आदेश से सतलोक की डुप्लीकेट नकल कर रखी है तुम्हें भ्रमित करने के लिए। वो शरीर में दिखाई देती है और जो शरीर में दिखता है वो डुप्लीकेट माल है। अब स्पष्ट कर दिया कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। पिंड शरीर में, अंड यो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में जो वस्तु है शरीर में आपको विजिबल होगी जैसे एज ए टेलीविजन, और वो है इस ब्रह्मांड में। कहते हैं आज माया किन्नी चतुराई, झूठी बाजी इस पिंड में रचाई है। अब परमात्मा कहते हैं खुले कपाट सब धनकारी, पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। अब इससे सिद्ध होया कि ये जो अभी तक इस शरीर तक सीमित रहे हैं राधा स्वामी वाले, लेकिन वो परमात्मा का सतलोक तो इस पिंड और अंड से पार है, सतलोक है वो, सचखंड न्यारा है। इसमें जो कुछ भी हमें दिखाई देता, कहते दृष्टि पड़े सो फना है धर अंबर कैलाश, या कृत्रिम बनावटी बाजी झूठ है तुम सुरत सुनो सांस। आगे क्या बताया है अब ये राधा स्वामी वाले, कहते धुन सुन ले धुन सुन ले। ये धुन तो काल की है, शरीर में बज रही है। इस जनकार से, इस धुन से आपका मोक्ष नहीं सुनने से। अब गरीबदास साहेब जी क्या कहते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जनकार का। अब उस परले पार का यानी पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। गरीबदास जी कहते हैं कोई है उस परले पार का, कोई गया है सतलोक में, और जो भेद कहे उस सच्ची धुन का झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। वा रही गोरख वा रही दत्त वा रही धरु पर लाद अर्थ, वार माने उरले साइड में रह गए सारे ये। वा रही सुख दे वा रही व्यास वा रही पारा सर प्रकाश, वा रही दुर्वासा दुर्वेश वा रही नारद सारद शेष, वा रही बरतरी गोपी चंद वा रही सनक सनंदन बंद, वा रही ब्रह्मा वा रही इंद वा रही सहस कला गोविंद, वा रही शिव शंकर जो शंभ वा रही धर्मराय आरंभ, वा रही धर्मराय धर धीर परम धाम पहुंचे कबीर, रग यजु श्याम अथर्व वेद परम धाम नहीं लहा वेद, अलख अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार थे हाना था गरीब दास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं, कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। कहते ये सारे जिनको तुम पार होया मानते हो, ये पार को नहीं हो रहे। वा रही गोरख वा रही दत्त दत्तात्रेय, और वा रही ध्रुव वा रही प्रहलाद अर्थ, वा रही सुखदेव वा रही व्यास उरली तरफ ही यानी पार नहीं हुए, ये भी काल के जाल में है, और वा रही पारा सर प्रकाश, वा रही दुर्वासा दरवेश वा रही नारद सारद शेष, और वा रही भरतरी गोपी चंद, और वा रही सनक सनंदन बंद, उरली तरफ ही रह गई। फिर कहते हैं वा रही ब्रह्मा वा रही इंद्र और वा रही सहस कला गोविंद। यू काल तो है यहाँ का ठेकेदार, एक हजार कला का गोविंद यू। और वार ही यानी काल के जाल में है शिव शंकर जो शंभु ये शंभ, वार ही धर्मराय आरंभ, वार ही धर्मराय धरधीर और परम धाम पहुंचे कबीर। अपुणात्माओं परमात्मा की एक वाणी है वो अभी रह गया, यो दूरा काम क्योंकि क्या करते पे ना बुढ़े मारे, यो तो भाई जज्जर वेद है।
यानी कोई कठिन कार्य होता तो ये इतना लंबा अंधेरा कर रखा है, इतने लंबे प्रवचन में भी 2.5 घंटे हो गए और अभी भी जो उद्देश्य दास का था वो शुरुआत ही होगी। परमात्मा ने क्या बताया था, अभी परमेश्वर की वाणी में आपने पढ़ा था और वो तो रह गया, वो चलो फिर बताएं कभी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। अब यो 5 मिनट का और सत्संग कंपलसरी हो गया, ये दिखाता हूं कि ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बन गया इस गलत साधना के करने से। और परमात्मा ने ये सच्ची बात, ये अमृतवाणी लिख रखी है परमात्मा की महिमा के, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक खुद भूत बना हुआ है तो अन्य की के दुर्दशा होगी, ये हिसाब लगा लेना। देखिएगा ये है राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी दयाल की दया, जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे लेखक, प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। अब यहाँ पर ये है वो परम धनी शिवदयाल जी, परम पुरुष और पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, मुद्रक है अर्पण पेंट्री राधा स्वामी चैम्बर्स बालेज रोड आनंद इतना। अब देखिएगा इसके 78 पृष्ठ पे गुणात्माओं कलेजा ले जागा, जरा से भी होश में होंगे ये राधा स्वामी वाले बाजाओगे जब छोड़ गए इसने। 71 वचन 78 पृष्ठ पे। अब बुक्की जी का जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। ये सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी, जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन महाराज जी स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे तब इनकी आंखें सुरख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बार बार टपकते थे, क्योंकि इस बुकिंग पहले भूत था कोई रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, हुक्का पीते थे स्वामी जी, ये तो पार तो होने थे, फिर ये हुक्का भी हो देते भूत बनने थे, फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कुछ कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वालों से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। अपने आत्मा और थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ये राधा स्वामी आले के क्या करें श्रद्धालु के पूर्ण संत की पहचान है वो चरण नहीं छुआता। ये दंत कथा ही बना ली कि उनका बैठा हुआ 1-2 किलोमीटर दूर कोई नजदीक जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ थोक के भाव में चलेगी बोली आत्माएं। और ये इनका परम धनी चरण छुआवे माथा टेक क्या करते इसके चरणों में, तो इसका मतलब ये पूर्ण था ही नहीं आपकी डेफिनेशन के आधार से, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं संत की। देखिएगा जब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ, और वह बयान किया करती थी मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी, और बहुत गहरे नई नवे उस पड़ी रहती करे थी भजन। भजन क्या करे जब झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे बाद विदा चतुराई। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था, आधार वो वही नदी क्या करते सामने, और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी
कि यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु होगी उसके बाद और दो दो दिन हजरत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। 80 पृष्ठ पर करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। के करा करती, पहले स्वामी जी का हुक्का भरा करती और रोटी खुआया करती हैं तो, और फिर उसी रोज से बुक की जी भोग तैयार करती थी। और लेखक कहता है कि मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर से माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी उस भूत की खातिर। और वो भूत बुक्की मथाए वह रोटी बनावा हुक्का भरे और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसका जिंदा जी हुक्का भर कर प्याया करती थी, कहते उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे। ओ भूत बुक्की में बढ़कर हुक्का पीवा था और बढ़िया माल खाओ था। ये देखिएगा, स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल कर फरमाते थे। और सतलोक चले गए फिर हुक्का पीना थे वह तेरा गजे भैया, जैसे कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे, यानी मृत्यु से पहले जिस तरह हुक्का पिया करते रोटी खा करते उनकी बनाई हुई, इसी प्रकार वह बुक्की पलंग पर बैठे उसमें वो भूत हुक्का रोटी खावा पहले और फिर हुक्का पीवे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, यानी उसका मां भूत आखिरी सांस तक रहा। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफात कर लिया करते थे। अब बुक्की का आगे बोला करते बुक्की भूत था वो उसके प्रश्नों का उत्तर दे देता। यहाँ दिखा दो कह कितने बोल रहे बुक्की की दाल, यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, कहते जब मेरे आपत्ति आ जाती, लेखक कह रहा उसका छोटा भाई शिवदाल जी का प्रताप सिंह जी के, जब मेरे पर कोई भीड़ पड़ जाती थी मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती थी तो मेरी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, यानी उसका कहता था मुझे यह आपत्ति आ गई और भूत बोल का बताया करता था बुक्की में। और जैसा हुक्म होता था वो भूत जो आदेश देता था बुक्की में उसी के मुआफिक बंदा कार बंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। जय हो बुक्की की और गिल है इनके गुरु जी की, जो भूत बन के इसमें हुक्का पाड़ा रीपती चुर में मांगे। एक भगत कह रहा था जी मेरा चाचा अराधा स्वामी था को 20-25 साल थे और 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम चादर डाल के ऊपर और कत्ती टस से मस नहीं होया करता और हुक्का पिया करता और चूरमा खान का गणा लाड़ा था, वो चूरमा बहुत खाता था, उसकी मृत्यु होगी। फिर वो अपनी पुत्र व दुमा का बोलने लग गया और एकादा ऐसा भविष्य की वाणी भी कर देता था वो हमारी साची हो जाती थी, लेकिन वो तंग गणा करे था उस पुत्र वधु को काम नहीं करने दे, सारा दिन वह लोटी रहे पड़ी रहे हैं और उठते चूरमा मांगे फिर हुक्का पीवे। अब रोज चूरमा कितने लाओ उसके लिए। फिर कई जगह इलाज कराने की चेष्टा की, नई बात बनी, कहते हैं आपका उपदेश दिलवाया उस पुत्र वधु ते जब हमारे परिवार का पीछा छूटा चाचा भूत ते। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही ये शिवदयाल जी है, जाप तक करेंगे अटपट नाम इनका ज्ञान सुन लिया आपने, कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहलाओ, कहते ध्यान लगाओ त्रिकुटी तो शुरू करते हम तो जाओगे कहाँ, जब आपकी थ्योरी ही गलत है प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम।
वो सतलोक, वो सचखंड, वो सारनाम, वो सतपुरुष, वो सत शब्द, और वो है सतलोक है और वो सतनाम। ये तो थारा छुरी है, ये तो तुम्हारी जो है ना, और तुम प्रैक्टिकल क्या करोगे उसी आधार से होना चाहिए प्रैक्टिकल भी। जो छुरी होती है फिर महात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान है, तेरा ज्ञान ही झूठा है, तो ध्यान कहाँ लगा रहे हो, ये वाद विवाद है, ये चतुराई दिखा रहे हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। कहते हैं परमात्मा चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संता के नहीं काम के, इनको देगड़ जोठ। अगर इतना ज्ञान प्रत्यक्ष देखकर भी ये नहीं समझ में आते हैं तो ये मूढ़ व्यक्ति हैं, ये भक्ति के योग्य नहीं है। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और परमात्मा कहते समझा है तो सिर धर पाओ, मोर नहीं रे सादाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचन हर कुल मालिक, हम सभी आत्माओं के एकमात्र हमारे पिता जनक ये कबीर परमेश्वर जी हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म हैं, वो सत्य पुरुष हैं, और वो परमेश्वर अपने गुण अनुसार अपने स्वभाव अनुसार लीला करने के लिए अपने सतलोक से चलकर आते हैं ऊपर आकाश में सुन शिखर में, सबसे ऊपर परमात्मा का एक सतलोक है, सनातन परम धाम है, और उस सनातन परम धाम के अंदर चार विभाग हैं, चार हिस्सों में बांटा गया उसको। प्रथम का नाम सतलोक, उसके ऊपर जो है वो अलखलोक, उससे ऊपर जो है वो अगमलोक, और लास्ट वाला जो है अकैलोक। वो परमात्मा सतलोक में जिस रूप में रहता है उसको सत्य पुरुष कहते हैं, और सत्य पुरुष की सतलोक के अंदर शरीर की कितनी रोशनी है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी रह जाती है, इतना तेज है उस परमेश्वर के शरीर का बॉडी का, वो सत्य पुरुष कहलाता है। उसके बाद अलख लोक में अलख पुरुष कहलाता है, वहां वो एक ही परमात्मा अन्य रूप में रहता है, उनके शरीर की वहां रोशनी और अत्यधिक है, एक रोमकूप की शोभा अरब सूर्यों के तुल्य है। उसके ऊपर अगम लोक है, अगम लोक में परमात्मा अगम पुरुष नाम से रहता है, और वहां परमात्मा के रोमकूप की शोभा खरब सूर्य के तुल्य होती है। और जो लास्ट वाला है, जो पोर्शन है उस अमर पुरुष सनातन परम धाम का, उसको अकैलोक कहते हैं, वहां परमेश्वर अनामी नाम से रहता है, अनामी, और वहां परमात्मा के रोमकूप की शोभा संग सूर्य जैसी रोशनी की है। अपने आत्मा वो परमात्मा अपने सतलोक से चल कर आता है, उस परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर है, कबीर, कबीर देव, वेदों में उसे कबीर देव कहा है, कुरान शरीफ में उसे अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर कहा है, कबीर अल्लाह कहा है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने उसे कबीर कहा है, कबीर साहब। ये वही परमात्मा है जो बनारस में 120 वर्ष तक रहकर चले गए, सहशरीर आए थे, सहशरीर ये चले गए थे, इनकी जन्म और मृत्यु नहीं होती। इस परमात्मा का शरीर एक तत्व यानी नूर से बना है, तेज तत्व से बना है। पूर्ण परमात्मा का शरीर तो है लेकिन सुक्रम अकायम असनाविरम,
माता पिता के संयोग से बने हुए काया नहीं है, नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से परमात्मा की काया नहीं बनी है, वो स्वयंभू है। स्वयंभू मीन्स स्वयं अपने आप बनने वाला, जिसका कोई जनक ना हो, लेकिन वो साकार तो है लेकिन उसका जनक कोई नहीं, उसका स्वयंभू कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में स्पष्ट किया है कि सैप्री आगात सुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपापविदम यथा तथ्य अर्थान शाश्वती भय समाभ है। वो परमात्मा कबीर मनीषी, वो परमात्मा कबीर मनीषी यथा तथ्य अर्थान, वो परमात्मा कबीर देव है, सर्वज्ञ कबीर है, जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है, उस परमात्मा की काया 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है। पुणात्मा परमात्मा की परिभाषा ही बदल डाली इन अज्ञानी ऋषि में ऋषि और गुरुओं ने। कोई तो ब्रह्म को ही फाइनल गॉड बताता है, कंप्लीट गॉड बताता है, कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को, कोई शिव जी को ही पूर्ण परमात्मा बता करके पूरे मानव समाज को भ्रमित कर रहे हैं। फिर अन्य अज्ञानियों ने तो कहां तक ला छोड़ा हमारे को, 10-20 ईंटों से एक छोटा सा मड़ी बनाई, वहीं पर पूजा प्रारंभ करवा दी, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के हम सभी को काल के जाल में चौकस फंसा दिया। वो परमात्मा स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और काल के लोक से छुड़वा कर सतलोक ले जाने के लिए। इस काल को जब निष्कासित कर दिया और साथ में हमें भी इसके साथ भेज दिया, क्योंकि हमने वह भयंकर गलती की थी, लेकिन फिर भी हमारे परमात्मा, हमारे मालिक, हमारे पिता ये दयालु हैं, इनसे हमारा दुख देखा नहीं गया। हमारे साथ यहाँ कितना बदसलूक किया हुआ है, आपस में हमें लड़ा रखा है, अलग अलग मजहब बना दिए, अलग अलग योनियाँ बना दी और आपस में एक छोटे सी वस्तु के लिए हम लड़ मरते हैं। पुणात्मा कुत्ता लड़ता है टूक पर, एक इतने टूक पर कुत्ता लड़ रहा है, राजा लड़ते हैं राज्य पर, तो उस कुत्ते में और उस राजा में कोई अंतर नहीं। हमारी सबकी एक जैसी टेंडेंसी बना दी और हमें आपस में लड़ा भिड़ा कर ये आनंद लेता है और हमारे को कितना कष्ट दे रखा, कोई कुत्ता बना दिया, कोई गधा बना दिया, कोई सूअर बना दिया, कोई सूअर अन्य पशु पक्षियों की योनियों में बना दिया, और उन योनियों में भी कोई सुखी नहीं। वैसे तो सुख नाम की चीज इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है, कुत्ते की योनि, कुत्ते का जन्म और सिर में जख्म और उस जख्म के अंदर कीड़े, हाय हाय। अब वो क्या कहता, काल के तू अपना किया भरेगा, इस काल ने अपना एजेंट मन इस आत्मा के साथ छोड़ दिया, यो इस आत्मा को ब्लैकमेल करता रहता है, इसको डराता रहता है, भयभीत करता रहता है, इसको अज्ञानी बना दिया। और जितने भी पाप हैं ये मन प्रेरित करके आत्मा से करवाता है, शराब पीना है, मांस खाना है, चोरी करना है, तम्बाकू पीना है और जारी करना है, अन्य भी कोई जो है मिलावट करनी है, रिश्वत लेनी है, डाके मारता है। किस लिए करता है ये सारे कार्य,
इस मन से प्रेरित हो गए और यहाँ के झूठे सुख को प्राप्त करने के लिए। गुणात्माओं, ये इतिहास जो पहले घट चुके हैं इनको हमने याद रखना चाहिए। जैसे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, वो युद्ध किस आधार से हुआ था कि उनकी आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था, और जिसके कारण 18 करोड़ व्यक्ति आपस में लड़कर मर गए, और वो दिल्ली का किला, पांडवों का किला यहीं रह गया जिसके ऊपर वो सारे लड़ रहे थे। पांडव भी मर गए समय आने पर और कौरव भी मर गए युद्ध में, और जिसके लिए वो लड़ कट मर रहे थे वो पृथ्वी यही है, वो महल यही है, उनमें काग बोल रहे हैं। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब वो परमेश्वर कितने दयालु हैं, हम यहां काल के जाल में फंस गए अपनी नालायकी के कारण। जब हमारी ये दुर्गति मालिक ने देखी, हाहाकार मची। अब पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के प्रारब्ध के लिखे हुए पुण्य इसके साथ हैं तब तक तो इसके घर में भी सुख, परिवार भी ठीक, इसका अच्छा रोजगार भी मिला रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो उस समय तो ये माया जोड़न में और घुटी लाण में कल्बों में जाकर और फिर अन्य स्थानों पर पिकनिक में और सैर सपटे को परमात्मा की तरफ ये झांकता नहीं, और फिर आपत्तियां शुरू होती हैं इसके ऊपर, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वह क्षीण हो गए। आगे चार्जर ठीक था नहीं, पिछली बैटरी जो डिस्चार्ज होनी ही थी एक दिन, जो पूर्व जन्म से चार्ज थी यानी पुण्य थे, वर्तमान में शास्त्र अनुकूल साधना रूपी चार्जर आपको मिला नहीं, जिस कारण से जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार पुण्य तुम्हारे साथ रहे तो परमात्मा की आवश्यकता महसूस हुई नहीं, और जब पूर्व जन्म के पुण्य अक्षीण हो गए एक ही दम यानी तुरंत ही सब आपताएं जीव के ऊपर आ गिरती हैं। फिर कुछ नहीं बनता इस प्राणी से, फिर चलता है ये भगवान की खोज में परमात्मा, क्योंकि इतना आत्मा को ज्ञान है कि परमात्मा हमें पूर्ण सुख दे सकता है, हमारा संकट निवारण कर सकता है, हमें दुखी से सुखी बना सकता है। ये आत्मा को भूल नहीं पड़ सकती, लेकिन ये नकली काल के दूत संत जगह जगह इस काल ने अपने ठग बैठा रखे हैं। ये आत्मा चलती है कष्ट निवारण के लिए संत समझकर, और वो इनको शास्त्र विरुद्ध साधना बता करके दूने पाप के भागी बना डालते हैं। सबसे पहले जाते ही वो नकली संत कोई ना कोई मंत्र जंतर, कोई धर्म पुण्य की रीति अवश्य समझाते हैं, बताते हैं, और बार बार जाने से कोई लाभ नहीं होता तो फिर वो क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का, तेरे कर्म का कष्ट है, ये भोगना ही पड़ेगा, और पाप अक्षमा नहीं होते। अब वो पुण्यात्मा 5-7 बार उस नकली के पास जाकर के फिर भी संतुष्ट नहीं होते, वो कहीं और किसी अन्य संत के पास, ऋषि के पास या जाड़ा जंतर करने वाले के पास जाते हैं। वो भी जाते ही कुछ ना कुछ क्रिया बताता है, 4-5 बार धक्के खुआता है और फिर कह देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो तेरे कर्म का दंड है, भोगना ही पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, कोई निर्धन है वो धन प्राप्ति के लिए परमात्मा से ही प्रार्थना करता है, यानी जब तक उसकी नीत साबित रहती है तो भगवान से ही वो धनी होने की कोई क्रिया चाहता है।
जब इन नकली संतों के पास जाने से उसको कुछ नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता, तो फिर वो कैसे धनी बनना चाहता है? या तो मिलावट करेगा, या चोरी करेगा, या रिश्वत लेने लग जाएगा, या फिर डाके मारेगा। पुण्यात्माओं, अगर चोरी करने से कोई सेठ बने तो कोई भी काम करके कोई भी अपना धंधा नहीं करे। चोरी करने से, मिलावट करने से, रिश्वत लेने से आज तक जीव कोई भी जो सुखी नहीं हुआ और धनी नहीं हो सकता। अपने कर्म बिगाड़ लेता है, संस्कार बर्बाद कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, संत के पास जाता है कि मुझे चिंता बनी है, टेंशन बनी है, तो वो जंतर मंत्र बताता है, उसे लाभ नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है? घूटी लगाता है, शराब पीता है। फिर उसे पूछे कि तू शराब क्यों पीता है? कि टेंशन, गम भुलाने के लिए टेंशन होगी थी। शराब से टेंशन कितनी देर तक समाप्त हो सकती है? घंटे दो घंटे बेहोश पड़ा रहेगा, और पैसे बर्बाद, पाप का भागी, समाज में बदनामी। अब कितने दोष हो गए एक शराब पीते हैं। अपुन आत्माओं, टेंशन जिस कारण से हुई है, अब वो कारण अर्थात वो दुख ही निवारण हो तो टेंशन मिटेगी, नहीं तो अन्य साधनों से। कोई कहे मैंने सिगरेट पी ली, नाम लेकर के भी, क्यों पी? कि टेंशन सी होगी थी। फिर सिगरेट को टेंशन की टेबलेट है? या ये तो कर्म बिगाड़ने हैं, बिगाड़ लो, बिगड़ी हुई आदत है। जब परमात्मा साथ देंगे तभी ये टेंशन समाप्त होगी। परमेश्वर कब साथ देंगे? जब आप सच्ची नियत तय इस भक्ति को करोगे और मर्यादा में रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगी। पुण्यात्मा, कई भक्त उपदेश ले लेते हैं, क्योंकि हमारे भक्त जो पहले दुखी थे आज इतने सुखी हो गए हैं, इस झूठे सुख को प्राप्त करके। पहले ये झूठा सुख भी नहीं था, उनको हर तरह से सुविधा परमात्मा ने दे रखी है, जो 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष से 10 वर्ष से लगे हुए। तो वो अन्य अपने रिलेटिव्स को या कोई और मित्र सखी सहेलियों को, उन सबको यही चेष्टा करते हैं समझाने की कि आप वहां चलो, नाम ले लो, सत्संग सुनो, तो जो ठीक है, जिनकी बैटरी पूर्व जन्म की अभी चार्ज्ड है, उनके सुख हैं, वो तो बात सुनते नहीं, वो तो टाल जाते हैं। फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं, फिर देखेंगे। अब फिर क्या देखेंगे? फिर तो कुमार देखेगा जब गधे बन जावांगे। हमने तो ईब देखना होगा, बुराई छोड़ और परमात्मा की भक्ति कर, फिर क्या देखेंगे हमारे पाछे? फिर तो परमात्मा ने जहां व्यवस्था कर रखी है, वो तो फिर अगला ही देखेगा, हम कुछ नहीं देख सकते। अब गधा अपने पाछे तो कुमार देखेगा, फिर हम नहीं देख सकते, हमारा कोई चारा ही नहीं रहेगा। अब जैसे एक इंटरव्यू देने गया था कोई साक्षात्कार के लिए विद्यार्थी, उस इंटरव्यू लेने वाले ने प्रश्न किया कि भाई आप जंगल में जा रहे हो, वन में, और वहां तुरंत मोड़ मुड़ जाता है, यू टर्न पे, और मोड़ मुड़ते ही तेरे सामने शेर खड़ा हो, सिंह, तू क्या करेगा? वो कहता, फिर तो शेर करेगा, मैं क्या करूंगा? फिर तो शेर सिंह ही करेगा जो कुछ करना है, मेरा के क्यों तो वहां, फिर मैं क्या करूंगा? तो ऐसे ही गधा बनने के बाद तो कुम्हार करेगा, फिर वो देखेगा, हम के देखेंगे फिर?
हमने तो अब देखना है अगर कुछ देखा जाता है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।